हाय फ्रेंड्स, जय हिंद, गुड इवनिंग, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू स्टे गुरुजी। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बेल्ट्रॉन के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बेल्ट्रॉन का जो 27 नवंबर का पेपर हुआ है उसमें एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस वर्ड से अप्रोक्सीमेटली 40 नंबर के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। यानी कि 70% जो आपका कंटेंट है वो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस सॉफ्टवेयर से आया है, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली आपको इन्फॉर्म कर दूं, जो आपका बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का पेपर होगा उसमें जो मीडियम है, लैंग्वेज आपकी हिंदी है एज वेल एज इंग्लिश है, ठीक है। आपके एब्रीवेशन, ठीक है, एब्रीवेशन, शॉर्टकट कीज और जो फाइल एक्सटेंशन के क्वेश्चन हैं, 8 से 9 क्वेश्चन इन टॉपिक्स पे आ रहे हैं। तो आइए एमएस एक्सेल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल्ट्रॉन से रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे विजिट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, इन एमएस एक्सेल इन विच बार हैव द करेंसी ऑप्शन। एमएस एक्सेल में करेंसी ऑप्शन कहाँ पे होता है, ठीक है, किस बार में करेंसी ऑप्शन होता है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है फॉर्मेटिंग टूल बार। यानी कि एमएस एक्सेल में फॉर्मेटिंग टूल बार, जो फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, ठीक है, फॉर्मेटिंग टूल बार में करेंसी ऑप्शन अवेलेबल होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर नंबर ए, फॉर्मेटिंग टूल बार। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच मीनू कंटेन माइक्रो ऑप्शन इन एमएस एक्सेल। विच मीनू कंटेन मैक्रो ऑप्शन इन एमएस एक्सेल। तो मैक्रो यूनिट कौन कंटेन करता है एमएस एक्सेल में? वो करता है टूल्स। यानी कि जो टूल्स मीनू होता है, टूल्स मीनू मैक्रो ऑप्शन को कंटेन करता है एमएस एक्सेल के अंदर। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाते हैं, विच फंक्शन इज यूज टू इनपुट द डेट ओनली इन एमएस एक्सेल। विच फंक्शन इज यूज टू इनपुट, किस फंक्शन से हम इनपुट करेंगे डेट को, कहाँ पे? एम एस एक्सेल के अंदर। तो वो फंक्शन होता है टुडे फंक्शन। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टुडे फंक्शन। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, टुडे फंक्शन इज यूज टू इनपुट द डेट ओनली इन एम एस एक्सेल। क्वेश्चन नंबर फोर, विच फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द रिमाइंडर इन एम एस एक्सेल। किस फंक्शन का हेल्प से, किस फंक्शन के यूज से हम कैलकुलेट कर सकते हैं रिमाइंडर को एमएस एक्सेल के अंदर? तो ये होता है मॉड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच मीनू हैव द फिल ऑप्शन इन एमएस एक्सेल। इनमें से किस मीनू में फिल ऑप्शन होता है एमएस एक्सेल में? तो फिल मीनू होता है एडिट मीनू के अंदर। जो एडिट मीनू होता है उसमें फिल ऑप्शन होता है एमएस एक्सेल में। यानी कि क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे, एक्सेल इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कबुक। जो एक्सेल होता है, एक्सेल वर्कबुक का कलेक्शन होता है, उसको क्या कहते हैं? उसे वर्कशीट कहते हैं। एक्सेल इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कबुक विच इज नोन एज वर्कशीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑफ दीज डाटा टाइप इज नॉट इन एमएस डॉट एक्सेल। विच ऑफ दीज डाटा टाइप इज नॉट इन एमएस एक्सेल। तो इनमें से कौन सा टाइप एमएस एक्सेल का डाटा टाइप नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लेबल। जो लेबल है वो एमएस एक्सेल का डाटा टाइप नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर नंबर सी इज द करेक्ट, विच ऑफ दीज डाटा टाइप इज नॉट इन एमएस एक्सेल। तो वो है लेबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट, इन एमएस एक्सेल विच मीनू डज हैव सॉर्ट ऑप्शन। एमएस एक्सेल में किस मीनू के पास सॉर्ट ऑप्शन होता है? क्वेश्चन नंबर एट, एमएस एक्सेल में किस मीनू के पास सॉर्ट ऑप्शन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डाटा। जो एमएस एक्सेल है उसमें डाटा मीनू के पास सॉर्ट ऑप्शन होता है। क्वेश्चन नंबर नाइन, विच ऑफ दीज टॉच डज नॉट एग्जिट इन एमएस एक्सेल। इनमें से कौन सा चार्ट एमएस एक्सेल में एग्जिट नहीं करता? इनमें से कौन सा चार्ट एमएस एक्सेल में एग्जिट नहीं करता? तो जो ग्राफ होता है, GRAPH, जो ग्राफ चार्ट होता है वो एमएस एक्सेल में एग्जिट नहीं करता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टेन, विच ऑफ दीज ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन चार्ट ऑप्शन। इनमें से कौन सा ऑप्शन चार्ट ऑप्शन में अवेलेबल नहीं होता एमएस एक्सेल में? चार्ट विजार्ड, ठीक है। विच ऑफ दीज ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन चार्ट ऑप्शन इन एमएस एक्सेल, चार्ट विजार्ड। तो इनमें से जो ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता उसको कहते हैं डाटा सीरीज। क्या कहा जाता है? डाटा सीरीज। फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11,
एमएस एक्सेल बेस्ड ऑन डैश सॉफ्टवेयर। तो एमएस एक्सेल किसका सॉफ्टवेयर है? एमएस एक्सेल विंडोज का सॉफ्टवेयर है। किसका है? एमएस एक्सेल इज अ विंडोज सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 12, अ स्प्रेडशीट इज अ कलेक्शन ऑफ पेज इज कॉल्ड, अ स्प्रेडशीट इज अ कलेक्शन ऑफ पेज इज कॉल्ड। तो स्प्रेडशीट होता है वो पेज का कलेक्शन होता है जिसको कहते हैं वर्कबुक। जिसको क्या कहा जाता है? जिसको वर्कबुक कहा जाता है। रिपीट कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डबल स्टार, अ स्प्रेडशीट इज अ कलेक्शन ऑफ पेज इज नोन एज वर्कबुक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल वर्कबुक इन एमएस एक्सेल 2007? एमएस एक्सेल 2007 वर्कबुक का एक्सटेंशन बताना है, तो इसका एक्सटेंशन हो जाएगा .xlsx। ये एक्सटेंशन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑप्शन ऑफ चार्ट विजार्ड कंटेन द ऑप्शन ऑफ सीरीज नेम कैटेगरी वैल्यू इन डाटा। तो उसको कहते हैं डाटा लेवल। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है डाटा लेवल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, विच साइन डिस्प्ले व्हेन फार्मूला एरर इन एमएस एक्सेल। कौन सा साइन डिस्प्ले होगा जब फार्मूला एरर होगा एमएस एक्सेल में? तो वो होगा #। ठीक है। विच साइन डिस्प्ले व्हेन फार्मूला एरर इन एमएस एक्सेल, तो उसको कहेंगे #। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑप्शन इज नॉट इन द डाटा मेनू इन एमएस एक्सेल। कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन ऑप्शन डाटा मेनू एमएस एक्सेल में। तो डाटा मेनू में इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? तो फ्रिज पेन्स, जो आपका फ्रिज पेन होता है, फ्रिज पेन इज द ऑप्शन विच इज नॉट इन द डाटा मेनू इन एमएस एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन यूजिंग द फंक्शन विच रेफरेंस ऑप्शन इज यूज्ड टू गिव द रेंज। जब हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो विच रेफरेंस ऑपरेशन इज यूज टू गिव द रेंज। तो किस रेफरेंस ऑपरेशन का इस्तेमाल किया जाता है रेंज के लिए? तो उसके लिए यूज किया जाता है दिस सिंबल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द फीचर ऑफ इंसर्टिंग सेल बाय ड्रैगिंग नंबर इन एमएस एक्सेल। व्हाट इज द फीचर ऑफ इंसर्टिंग सेल बाय ड्रैगिंग नंबर इन एमएस एक्सेल, तो उसको कहा जाता है ऑटो फिल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में जो स्पीड होगी प्रैक्टिस की वो ज़्यादा होगी, लेकिन ये आपके लिए एक रिवीजन वीडियो है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इस वीडियो से आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर बेल्ट्रॉन के एग्जाम में श्योर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है। विच ऑफ द ऑप्शन इन द टूल मीनू इन एमएस एक्सेल। Which of the following is the option in tool menu in MS Excel? इनमें से बताना है। तो देखिए, formula auditing भी होता है, goal seek भी होता है, और scenarios भी होता है। ध्यान दीजिएगा, question number 19 में tool menu के options बताने हैं। तो formula auditing भी होता है, goal seek भी होता है, scenarios भी होता है, यानी कि all of the above is the correct option for question number 19। Question number 20, which function is used to calculate the rate of return, loan अमाउंट एंड फ्यूचर वैल्यू। किस फंक्शन का यूज किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए रेट ऑफ रिटर्न, लोन अमाउंट एंड फ्यूचर वैल्यूज? किस फंक्शन का यूज किया जाता है रेट ऑफ रिटर्न, फ्यूचर वैल्यूज, अमाउंट एंड लोन? तो उसके लिए यूज किया जाता है फाइनेंशियल फंक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है। फाइनेंशियल फंक्शन। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, What is the shortcut key to insert current date in cell? What is the shortcut key to insert current date in cell? तो इसके लिए shortcut ही होता है CTRL+ this symbol। ठीक है। Control plus this symbol is used for the inserting current date in a cell। यदि हमें date को insert करना है, current date को insert करना है, तो इस symbol का use किया जाएगा। Question number 21, answer number A is the correct। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, इन एमएस एक्सेल इफ डे फार्मूला इज इम्पोज्ड। यदि एमएस एक्सेल में डे फार्मूला इम्पोज्ड होता है, आंसर टू 5/3/2013 विल बी प्रिंटेड। तो इसको कैसे प्रिंट होगा? तो ये होगा 3,
यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विच फंक्शन डू यू यूज टू स्टार्ट फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल। विच फंक्शन डू यू यूज टू स्टार्ट फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल, किस सिंबल का यूज करेंगे यदि हमें फॉर्मूला स्टार्ट करना है एमएस एक्सेल में, तो उसके लिए यूज करेंगे इक्वल टू साइन। ये सेम क्वेश्चन आज के एग्जाम यानी कि 27 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में डाटा एंट्री ऑपरेटर में सेम यही क्वेश्चन आया था। तो आप हमारे पीडीएफ की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी का आइडिया लगा सकते हैं कि किस लेवल का कंटेंट है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्वेश्चन देख लीजिए, यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आज के एग्जाम में आया है। विच सिंबल डू यू यूज टू स्टार्ट फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल, तो होता है इक्वल का साइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ दीज फैसिलिटीज इज यूज टू रिमूव मोर देन वन स्पेसेस। कौन से फंक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं यदि हमें एक से ज़्यादा स्पेस को रिमूव करना होता है, तो एक से ज़्यादा स्पेस को रिमूव करने के लिए हम ट्रिम फंक्शन का यूज करते हैं। किस फंक्शन का यूज करते हैं? ट्रिम फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 25, इन एमएस एक्सेल यदि कुछ हमारे पास सेल की वैल्यू दिया है 29, 19, 27, 39 एंड 20, रिटर्न है यदि A6 से लेके A11 तक, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम A6 टू A11, तो ये हो जाएगा आपका 39, यानी कि 39 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर यानी कि डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, विदाउट चार्ट वुड बी यूजफुल टू कंपेयर द सेल्स प्राइस ऑफ टू डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, विच चार्ट, किस चार्ट का हम यूज करेंगे, विच चार्ट वुड यू यूज टू कंपेयर द सेल प्राइस, यदि मुझे सेल प्राइस को कंपेयर करना है दो डिफरेंट ब्रांचेज के डिस्ट्रीब्यूटर्स के। ठीक है, तो उसके लिए मैं ड्रॉगनट चार्ट का यूज करूंगा। कौन सा चार्ट का यूज करूंगा? ड्रॉगनट चार्ट। ठीक है, उसके लिए यूज होगा DOUGS ड्रॉगनट चार्ट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि पावर इज इक्वल टू पावर 2.3, ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। विच ऑफ दीज इज नॉट एन ऑपरेटर इन एमएस एक्सेल, इनमें से कौन सा एमएस एक्सेल का ऑपरेटर नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर नंबर डी, जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो एमएस एक्सेल का ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, वेयर डज द एक्टिव सेल कंटेंट डिस्प्ले इन एक्सेल, वेयर डज द एक्टिव सेल्स कंटेंट डिस्प्ले इन एक्सेल, जो एक्टिव सेल्स होते हैं कंटेंट वो कहाँ दिखते हैं एक्सेल में, वो दिखते हैं फॉर्मूला बार में, कहाँ दिखते हैं फॉर्मूला बार में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर टू क्रिएट अ चार्ट इन एमएस एक्सेल, कितने तरीके से कितने स्टेप से चार्ट को क्रिएट किया जा सकता है एमएस एक्सेल में, तो एमएस एक्सेल में कुल 4 तरीके से। रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को, हाउ मेनी स्टेप्स दे आर टू क्रिएट चार्ट इन एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल में कितने स्टेप से चार्ट क्रिएट किया जाते हैं, तो कुल 4 तरीके से, 4 स्टेप से एमएस एक्सेल में चार्ट को क्रिएट किया जाता है। तो इस वीडियो में 30 क्वेश्चन हैं, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो हमें लाइक करके मोटिवेट जरूर कीजिएगा, फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम।